आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेट ट्रेनिंग, व्हाट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, इसका क्या फायदा है, क्या फायदा नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कार्डियो से ये बेटर है कि नहीं, और होता क्या है, सारा एक्सप्लेन करते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। हेलो गाइस, मैं आपका वेलकम करता हूं जंक हेल्दी फीड में। मेरा नाम राज बराठा है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बारे में। आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड कार्डियो ऑल्सो, हो सकता है आप में से काफी लोगों ने ये सब जानते हो, नहीं जानते तो डोंट वरी, आज आपके सारे आंसर सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे और आपको समझ आएगा कि हाँ मुझे क्या करना है। लोग क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, कुछ पता नहीं होता, करते रहते रिजल्ट नहीं मिलते, फिर छोड़ देते हैं। आई एम डैम श्योर आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए मेरी बॉडी के लिए। तो फर्स्ट बात करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को आप लोग दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं, वेट ट्रेनिंग भी कहते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कहते हैं। रेजिस्ट करना किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल अगर आप बाइसेप्स कर रहे हैं और वेट नीचे जा रहा है, आप उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस हुआ आपके बाइसेप्स के लिए। तो ये क्यों होता है, ये आपके मस्कुलर फिटनेस को इम्प्रूव करता है बाय रेजिस्टेंस। हम मसल्स को रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रेन करते हैं और ये हमारी फिटनेस को, मस्कुलर फिटनेस को इंप्रूव करता है। ध्यान रखना मैं छोटे छोटे वर्ड्स बोलूंगा, कंफ्यूज मत होना, आई एम टॉकिंग अबाउट मस्कुलर फिटनेस, मसल्स का फिटनेस। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के टाइप क्या होते हैं, एक होता है बॉडी वेट। बॉडी वेट मतलब आप बॉडी से आपके मसल्स पे, आपके बॉडी वेट पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। दूसरा होता है बैंड से, बैंड रेजिस्टेंस बैंड खरीद लो आप, लॉकडाउन हुआ था पूरा जगह फैल गया था रेजिस्टेंस बैंड, तो वो क्यों, घर पे आप मसल्स को रेजिस्टेंस दे सके। तीसरा होता है फ्री वेट। फ्री वेट मतलब सिर्फ बारबेल हो गया, डंबल्स हो गया, आप इस सबसे ट्रेनिंग कर रहे हो। और फोर्थ होता है मशीन्स से। तो इन सब से आपका एक ही मोटिव, एक ही होता है रेजिस्टेंस क्रिएट करना और मसल्स को, मस्कुलर फिटनेस को उसकी इंप्रूव करना। सो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग चार टाइप की होती है, एक होता है स्ट्रेंथ, एक होता है पावर, एक होता है हाइपरट्रॉफी, एक होता है एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब जहां पे हमारा पूरा फोकस होगा कि हम स्ट्रेंथ को बिल्ड करें, ज्यादा देर ज्यादा वेट ना, ज्यादा रैप्स ना निकाले, हैवी से हैवी वेट को लिफ्ट करना सीखें। पावर ट्रेनिंग आप जैसे देखते हैं पावर लिफ्टर्स का भी सेम स्ट्रेंथ के साथ कंपेरिजेबल नहीं कर सकते, सेम होता है कि वो भी वन रैप मैक्स करते हैं। वन रैप मैक्स मतलब 150 किलो का आपने एक रैप उठाया तो ये आपका वन रैप मैक्स हुआ, उठा पाए तो वो आपका वन रैप मैक्स हुआ। तीसरा होता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी जो मैं करता हूं, मैक्सिमम लोग जिम में करते हैं, वेट लेके 12-15 रैप्स हिट करते हैं, वो होता है मस्कुलर मसल्स को टेंशन देना कि आप ग्रो करो। जो पावर लिफ्टर है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, उसका ज्यादा गोल नहीं होता कि वो मसल्स को ग्रो करने का, ऑब्वियसली वो स्ट्रांग हो रहे हैं बट उनका टारगेट होता हैवी लिफ्ट करना, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। और हमारा हाइपरट्रॉफी जिसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मसल की ग्रोथ के लिए करते हैं। तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं या सजेस्ट करता हूं लोगों से कि ज्यादा वेट मत उठाओ जब आपका हाइपरट्रॉफी गोल है, ठीक ठीक सा वेट उठाओ, चैलेंजिंग वेट उठाओ और रैप्स पे फोकस करो, ज्यादा भी रैप नहीं, 12-15, 10-12 ऐसे रेंज पे बहुत है, तो वो आपके मसल स्ट्रेंथ में बढ़ाएगा। और चौथा पॉइंट क्या है, एंडोरेंस। जैसे मैंने बोला एंडोरेंस का मतलब ये नहीं है, लोग कहते हैं कि एंडोरेंस मतलब इक्वल टू स्ट्रेंथ, नहीं, एंडोरेंस का मतलब ये हुआ कि आप उस मूवमेंट को ज्यादा देर तक कर पा रहे हो, दैट्स कॉल्ड एंडोरेंस। और स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, तो लोग कंबाइन कर देते हैं स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को। एंडोरेंस मतलब कि समझ लो आपने 100 kg की डेडलिफ्ट मारी, 100 kg जमीन से उठाया एक बार, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेंथ। बट 100 kg अगर आपका 5 बार 6 बार 10 बार उठा रहे तो वी कैन टेल दिस इट्स एंडोरेंस, उसका इतना एंडोरेंस है कि वो 100 kg का इतनी बार उठा सकता है। सो अभी तक तो आपको मैंने बता दिया कि ये सब क्या होता है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होती है। अब आपको जो मेन चीज आपको बताने जा रहा हूं, इसके बेनिफिट्स क्या है। फर्स्ट, बहुत सारे बेनिफिट्स है, सारे नहीं गिनाऊंगा, मोस्ट जो 4 मैं पसंद करता हूं वो आपको गिनाऊंगा, पसंद करता हूं मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, ये आपकी मस्कुलर एबिलिटी को इंप्रूव करता है, जिससे आपका मसल टोन होता है। लोग कहते हैं ना कि हम टोन कर दीजिए, हमें टोन करना है। सिर्फ वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग नहीं बोलूंगा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से ही ये टोन होगा। ये आपके मसल का स्ट्रेंथ बढ़ा देता है और उसको टोन करता है, जिससे आप फ्यूचर में इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हो।
आपके मसल्स में स्ट्रेंथ इतनी होती है कि छोटा से छोटा या थोड़ा एक लिमिट के झटका तक वो झेल जाए। होता क्या है, ग्रोथ क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 10 kg का चेस्ट मारा, चेस्ट वर्कआउट किया, मेरे बॉडी को शौक लगा कि यार ये ऐसा एक्सरसाइज इसके साथ हुआ है, फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है, लेट्स बिल्ड मसल कि आगे जब ये एक्सरसाइज करेगा ये, या ऐसी उसको बॉडी को नहीं पता ये एक्सरसाइज हो रही है, बॉडी को पता है ये टेंशन है, ये अगर टेंशन सेम बॉडी के ऊपर आएगी तो अब ये बॉडी रेडी रहेगी उसको झेलने के लिए, तो वो उसके लिए मसल्स को बिल्ड कर देता है, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम अब जब 1 महीने बाद ऐसे ट्रेनिंग करते हो आप देखो 10 kg आपके लिए इजी रहे, क्योंकि धीरे धीरे आपका मसल बिल्ड हो गया, आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया, इसलिए वो चीज आपकी हेल्प करती है जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग करते हैं कि हमें टोन होना है, हमें टोन होना है, ज्यादा लड़कियां लोग बोलते हैं टोन होगा तभी जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे, ट्रेडमिल पे भागते रहोगे कोई टोनिंग नहीं आएगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी, सॉरी कंफ्यूज मत होना, स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस एक ही बात है, मैं बार बार गलत बोल रहा हूं, पर इट या निकल जाए तो समझ लेना कि रेजिस्टेंस हो और स्ट्रेंथ एक ही चीज है। दूसरा बेनिफिट क्या है, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है, जिससे आप फ्यूचर में आपकी जब एज होएगी योर बॉडी हैज द एबिलिटी टू क्रिएट द बैलेंस, जो बैलेंस खराब हो जाता है ना लोगों का कि यार इधर झुक जा रहे हैं उधर झुक जा रहे हैं ये वीक है हाथ नहीं उठ रहा, क्योंकि उस मसल्स में इतनी ताकत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ये करते आ रहे हो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस इंप्रूव होगी और फ्यूचर में जब आपकी एज हो जाएगी आपको ये चीज प्रॉब्लम नहीं करेगी। काफी लोगों को देखना जो पहले अच्छे फिजिक बॉडी बिल्डर्स को मैं नहीं जानता, काफी लोग खराब भी है, काफी लोग बहुत इंप्रूव करके भी रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक टाइम तक बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग किया, नेचुरल लिफ्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल्स की नहीं, उनकी बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग किया है जिस वजह से वो एज होने के बाद भी अच्छा फिजिक बना के रख पाए हैं, अच्छी एबिलिटी रह सकते हैं, फ्रैक्चर फ्री है, इंजरी फ्री है, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मतलब वेट उठाना जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तीसरा बेनिफिट क्या है, तीसरा बेनिफिट है वेट मैनेजमेंट। यस, आपका बॉडी वेट कंट्रोल में रहता है। होता क्या है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपके मसल बिल्ड होते हैं, तो क्या होता है जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो आपका मसल टू फैट रेशो बढ़ जाता है, मतलब जितना ज्यादा जो हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं जितना ज्यादा आपके बॉडी में मसल्स होगा आपकी बॉडी को बहुत डिफिकल्टी होगी कि आप फैट स्टोर करो, डिफिकल्टी होगी, इम्पॉसिबल नहीं डिफिकल्टी होगी, इसलिए जो आप लोग रनिंग करते रहते हैं भागते रहते हैं फैट बर्न के लिए, नहीं, उससे पहले बंद करके आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे कि आप मसल को बिल्ड करो और मसल बिल्ड करने से आपके बॉडी को फैट स्टोर करने में डिफिकल्ट होगी, क्योंकि जितना ज्यादा आपके बॉडी में मसल होगा आपकी बॉडी को कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये मत सोचो कि आपको फैट लॉस करना है तो भागना शुरू कर दिया ऐसे करते रहते हैं लोग, भागते रहते हैं एकदम अजीब से स्किनी हो जाते हैं और मसल नहीं होता, पतले होने के बाद भी मतलब उनका मसल सुपर नहीं था, क्यों, क्योंकि उन्होंने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करी अच्छी तरह, तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जरूरी है करना। चौथा पॉइंट क्या है कि आपका स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा, स्टेमिना मतलब आप जल्दी से थकोगे नहीं, कार्डियो से भी आपको बेनिफिट है बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होता है आपके मस्कुलर स्टेमिना बढ़ जाता है, एबिलिटी बढ़ जाती है कि आप नॉर्मल जो एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे थे उसको आप कर पा रहे हो, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो आप जल्दी से टायर्ड नहीं होंगे। और ये पॉइंट लास्ट जो मैं ऐड करूंगा, जो आप सब में से आप, मैं जानता हूं 95% लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, कि ये प्रिवेंशन करता है काफी क्रोनिक डिसीज को, प्रिवेंट या अवॉइड कर देता है, जैसे कि हार्ट डिसीज हो गया, शुगर हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, काफी सारी प्रॉब्लम होती है, इवन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इवन डिप्रेशन जो सबसे ज्यादा आजकल टॉपिक चल रहा है कि डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन कि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो या एक्सरसाइज कोई भी करते हो आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं उससे डिप्रेशन लो होता है। तो सोचो इतने सारे फायदे हैं सिर्फ एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से, जो मैक्सिमम लोग नहीं करते। एवरीबॉडी गोज टू द जिम और क्या करते हैं, भागेंगे, हमें कार्डियो करना है, हमें ट्रेडमिल में भागना है, हमें साइकिलिंग करनी है, और उनको उसका फायदा नहीं पता। उसका भी बेनिफिट है बट मैं हमेशा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को ऊपर रखता हूं कार्डियो से। तो इसलिए आपको अगर अब समझ आया है कि इतनी सारी बीमारियां आप घर बैठे अवॉइड कर सकते हो, फ्यूचर में जो आप ये सारा बीमारी ठीक करने में जो आपको पैसा जाएगा ना, आप उसे ट्रेनिंग कर लोगे तो आपको सारा पैसा सेव हो जाएगा और इजीली आप
हैप्पीली रहोगे, बाद में क्या होगा, हॉस्पिटल में जाओगे, तबियत भी खराब होगी, पैसे भी खर्च होंगे। अभी क्या आपके थोड़े पैसे खर्च होंगे, लेकिन आप हैप्पी रहोगे कि यार मैं फिट हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इतनी देर मैंने बोल दिया कि हाँ क्या होता है ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब बात करते हैं कार्डियो की। कार्डियो क्या होता है? सब बोलते हैं कार्डियो करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उनसे पूछो, कहीं भी चले जाओ, रोज कार्डियो करना है सुबह शाम, फिर वेट ट्रेनिंग करनी है, फिर आपकी बॉडी, आपका फैट लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं भाई, कार्डियो मींस कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर मतलब आपको अगर बोले दिल की एक्सरसाइज, कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग भी एक टाइप की बस एक्सरसाइज होती है, जिसमें आपकी हार्ट, लंग्स, इन सब की पावर इंप्रूव होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो इसमें कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि हाँ कार्डियो करना ही है। मेरे क्लाइंट्स बिना कार्डियो करे भी फैट लॉस अचीव कर लेते हैं, क्योंकि उनका डाइट बहुत बैलेंसली क्रिएट किया जाता है। कार्डियो इज नॉट मैंडेटरी, बट यस इट्स हेल्पफुल। मैं नहीं कहूंगा कि कार्डियो करना ही पड़ेगा फैट लॉस करने के लिए। मैं कार्डियो रिकमेंड जब करता हूं, जब हमें 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने प्लान में हो गया और अब रिजल्ट स्लो हो रहे हैं, देन वी आर एडिंग कार्डियो। सो कार्डियो के फायदे बता देता हूं। कार्डियो का फायदा यह है कि यस, कार्डियो हैज द एबिलिटी टू बर्न मोर कैलोरी इन कार्डियो सेशन। ध्यान से सुनना, कार्डियो हैज द मोर एबिलिटी टू बर्न मोर कैलोरी इन कार्डियो सेशन। यस, आप अगर कार्डियो करते हो तो आपका कैलोरी बर्न होएगा ज्यादा एज कंपेयर ऑफ वेट ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप जितना करते हो, एक नॉर्मल ट्रेनिंग करोगे 200 कैलोरी होगी, आधा घंटा कार्डियो करोगे तो हो सकता है 250-300 कैलोरी तक बर्न हो जाए, ज्यादा बर्न कैलोरी होगी। तो क्या इससे कार्डियो बेस्ट हो जाती है? नो, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता क्यों नहीं होती। सो फंडा क्या होता है कैलोरी बर्निंग का? क्या होता है, जितना ज्यादा आपका बॉडी वेट बढ़ेगा, बॉडी वेट कुछ भी हो सकता है, उतना आपकी बॉडी को मेहनत करना पड़ेगा और उतना ज्यादा कैलोरी बर्न करना पड़ेगा, बर्न करेगी बॉडी अपने आप ही। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई 100 किलो का बंदा 10 किलोमीटर चलता है और एक 70 किलो का बंदा 10 किलोमीटर चलता है, ऑब्वियसली 100 केजी वाला बंदा ज्यादा कैलोरी बर्न करेगा। तो ऑब्वियसली कार्डियो से आपको हेल्प मिलती है कैलोरी बर्न करने में। अब हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं कि बेस्ट कौन सा है, कार्डियो या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। So, ये मैं नहीं बोल रहा, रिसर्च में बताया गया है कि अगर एक एग्जांपल दो कि अगर आपने सुबह वेट ट्रेनिंग किया या शाम को भी किया, उसके काफी घंटे तक, 38 आवर्स तक, इस रिसर्च में देखा गया कि आपकी बॉडी का रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि आप बैठे हुए हो ऐसे, आपका बॉडी कैलरी बर्न करे जा रहा है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बढ़ जा रहा है। सोचो कितना बेनिफिट रेजिस्टेंस का, आपको कोई भागने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको रनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको चलने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपने सुबह वर्कआउट किया और आपका वो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। एक रिसर्च में देखा गया है कि 24 हफ्ते के लिए ग्रुप को डाला जाता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में सिर्फ, और 24 हफ्ते बाद देखा जाता है कि उनका 9% रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म दोबारा से बता रहा हूं कि जो बैठे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, बात कर रहे हो, घूम रहे, बात कर रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, दिस इज द रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। और कार्डियो में क्या है, यू हैव टू डू कार्डियो, मतलब वॉक करना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा, साइकिलिंग करनी पड़ेगी, तब आपकी कैलोरी बर्न होगी। कार्डियो में क्या है कि आपने जो एक्सरसाइज करी उस टाइम आपकी कैलोरी बर्न हो गई, एंड लेटर ऑन कुछ नहीं। बट रेजिस्टेंस में एक बेनिफिट है कि वो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है। पहले भी आपको वीडियो में बताया कि हाँ, जितना ज्यादा आपका बॉडी मसल कैरी करेगा, मसल, उतना ज्यादा आपका बॉडी कैलरी को, रेस्टिंग जो मेटाबॉलिज्म है बैठे बैठे जो बताया, वो ज्यादा बढ़ेगा और आपकी बॉडी में फैट नहीं आएगा जल्दी से। जितना बॉडी में आपका कम मसल होगा, उतने देर से चांसेस कि आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा फैट गेन करे। और जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बोला कि मसल्स कार्डियो करने से नहीं बढ़ता, मसल्स के लिए आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू बिल्ड मसल। जब मसल बनेगा तभी तो आप अच्छे लगोगे, देखने में लुक आएगी, टोन आएगा। कि कहते हैं ना, वो लड़का बहुत सेक्सी लग रहा था, लड़की बहुत सेक्सी लग रही थी, होता है ना, जब पहनते हैं कपड़े टाइट टाइट बहुत अच्छा लगता है, क्यों, दे हैव द मसल्स, उससे वो अच्छा लगता है, लुक अच्छी होगी और मेन आपका हेल्थ इंप्रूवमेंट होगी। आपका फैट बॉडी स्टोर नहीं कर पाएगा ज्यादा, क्योंकि आपकी बॉडी को मेहनत करना है उस मसल्स को मेंटेन करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बर्न करते रहेगा।
ये दोनों में मेन और वुमेन में थोड़ा डिफरेंस होता है. मेंस थोड़ा ज्यादा कैलरी बर्न करते हैं, रेस्टिंग बोल रहा हूं, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो उनका होता है थोड़ा हाई होता है वुमेन से. तो इसका मतलब नहीं है कि उनको रिजल्ट नहीं आएगा, वुमेन को भी इजीली रिजल्ट आएगा. इसलिए मैं उनको सबको, मेंस हो या वुमेन को, खास कर बोलता हूं कि प्लीज डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग फर्स्ट, देन आप कार्डियो करने आओ. ये नहीं कि भागते रहो फिर एक्सरसाइज करने जाओ, हमसे हो नहीं रही. क्यों? आपने तो अपना सारा एनर्जी बर्न कर दिया, ग्लाइकोजन जो स्टोर था वो आपने कार्डियो में बर्न कर दिया, तो आपका से कैसे वेट उठेगा. इसलिए पहले आप जाके वेट ट्रेनिंग करो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जरूर करो, चाहे आपको बॉडी बनानी हो या ना बनानी हो, बॉडी बिल्डर बनना हो ना बनो. क्योंकि सबके दिमाग में लगता है कि भाई जिम जाने हैं तो बॉडी बिल्डिंग करनी है, बॉडी बिल्डर लोग ही जिम जाते. नहीं, वेट ट्रेनिंग इज मस्ट. मैं अपने हर एक क्लाइंट को डाइट बनाने से पहले उन्हें रिकमेंड करता हूं कि प्लीज वेट ट्रेनिंग फर्स्ट करो, देन वी विल ऐड कार्डियो लेटर ऑन. सो कार्डियो की बात शुरू हुई है तो आज अभी डिस्कस कर लेते हैं हिट एंड लेट. हिट बहुत पॉपुलर हो गया, हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, और दूसरा लो इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग. हाई इंटेंस ट्रेनिंग को इतना ज्यादा प्रोपोगंडा किया गया है कि हाँ हाई इंटेंस ट्रेनिंग इज द बेस्ट ट्रेनिंग, इसे करोगे तो आपका बॉडी फैट यू बर्न हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी बॉडी फैट बर्न कर देंगे, जल्दी बर्न हो जाएगा. तो इट्स टोटली रॉन्ग. मेरे काफी दोस्त जिनको नहीं पता हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग क्या होता है, इट्स ए जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 सेकंड का आपने रेस्ट लिया, 20 सेकंड तक भागे फुल पावर से अपनी जितनी लगा सकते हो, फिर 10 सेकंड रेस्ट लिया, 20 सेकंड तक भागे फुल पावर से, या 10 सेकंड तक जॉगिंग करी फिर रुक गए, 10 सेकंड जॉगिंग करी रुक गए, दैट्स कॉल्ड लो हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग. एंड दूसरा है लो इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, मतलब ट्रेडमिल पे आपने या नॉर्मल वॉक कर रहे हो 10 की स्पीड में आधे घंटे के लिए लगातार, सेम स्पीड पे एक घंटे के लिए लगातार, वो उसे कहते हैं लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग. अब ऑनलाइन और इस जगह इतना ज्यादा प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग इतना बेनिफिट है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है. हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में और लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग में 24 हफ्ते का एक और स्टडी देखा गया और दोनों ग्रुप को कंपेयर करके देखा गया कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वाले सिर्फ 20 से 24 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न करते हैं लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वाले से. तो 20 से 24 कैलोरी बर्न एक्स्ट्रा करने के लिए क्यों आप कुत्तों की तरह हांफना, परेशान होना, ऐसे पूरी तरह करना क्यों? हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग बहुत डिमांडिंग होता है, बहुत डिमांडिंग मतलब बहुत ज्यादा लगता है, और साइंस ने प्रूव कर दिया कि जब आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी फैट बर्न नहीं करती उस टाइम, आपकी बॉडी उस टाइम सिर्फ ग्लूकोज बर्न करती है. और लो इंटरवल इंटरवल इंटेंस ट्रेनिंग में जो होता है उसमें यह फायदा है कि आपकी बॉडी जब आपने एक घंटे तक नॉर्मल स्पीड में चलते रहे, आपकी बॉडी ने जो एनर्जी ड्राइव करी वो प्योर फैट से करी. तो सोचो फायदा किसमें है. तो मैं अपने अपने एथलीट्स को, अपने क्लाइंट्स को कभी ज्यादा हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग नहीं रिकमेंड करता. हाँ, क्लाइंट बहुत हैप्पी है, इजिली रिकवर कर ले रहा है हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग से, क्योंकि हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग बहुत डिमांडिंग होता है, आपकी बहुत ज्यादा रिकवरी हो सकती है, सफर करे, क्योंकि आप वैसे कैलोरी डेफिसिट में हो और हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग भी कर रहे हो सकता है आपकी बॉडी रिकवर ना करे. इसलिए मैं और लोगों को कम रिकमेंड करता हूं. काफी सारे क्लाइंट हैं जो इजीली से सर्वाइव कर लेते हैं, नहीं कर सकते. मैं आई रिकमेंड ऑलवेज लो इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग. तो जरूरी नहीं है हाई इंटेंस करना, लो इंटेंस से भी आप इजीली बिना थके इजीली रिकवर करके आप अपना बॉडी चेंज कर सकते हैं. सो आपके बॉडी में आया होगा लास्ट, सॉरी आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया होगा कि आप करना क्या है, वेट ट्रेनिंग या कार्डियो या हाई इंटेंस है. सो आप एक बढ़िया सा प्लान डिजाइन करिए जिसमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को सबसे पहले ऊपर रखिए, देन कार्डियो को रखिए, दोनों को बैलेंस करके करिए. कार्डियो थोड़ा सा करिए अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है, अगर आपका गोल फैट लॉस है, कार्डियो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग तो करना ही है. सेम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सबके लिए बहुत जरूरी है, तो आप थोड़ा बैलेंस करके चलेंगे तो आपका आप हेल्दी एंड स्ट्रांग रहोगे. मतलब आपकी हार्ट हेल्थ, लंग्स हेल्थ भी बढ़िया रहेगी और आपकी बॉडी लुक, मसल्स भी बढ़ेंगी. मैं भी ऐसी प्लान करता हूं कि 5 days, 6 days वर्किंग कर लेता हूं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, देन एक दिन कार्डियो कर लिया 30 minutes, 40 minutes का लो इंटेंस. मैं हाई इंटेंस नहीं करता, आई लव लो इंटेंस ट्रेनिंग और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट है, मैं हेल्दी रहता हूं. तो आप लोग उसे बैलेंस करके करो, बट हाँ बार बार रिकमेंड करूंगा कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को जरूर प्रायोरिटी दो. कार्डियो करो, बंद मत करो, बट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए. आई होप आपको सारी चीज समझ आई होगी.
और सबसे मेन, अगर आपका डाइट सही नहीं है तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, चाहे आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो चाहे कार्डियो करो, ना आपकी रिकवरी अच्छी होगी ना ही आपका बॉडी बनेगी। तो इसलिए डाइट और वर्कआउट का गुड बैलेंस ही आपको अच्छा रिजल्ट अचीव कराएगा, लॉन्ग टर्म पे आप उसे सस्टेन कर सकते हो। आई होप गाइस आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। आपको कुछ भी समझ नहीं आया इस वीडियो से रिलेटेड नीचे कमेंट कर दो। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, हेल्थ इश्यू है, आई कैन ट्रेन यू। अगर आपका कोई बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज करना है, फैट लॉस में दिक्कत हो रही है, मसल बिल्डिंग में दिक्कत हो रही है, आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आपको मैं रिप्लाई बैक करूंगा। नीचे मेरा ईमेल आईडी भी है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इफ यू वॉन्ट टू हायर मी जस्ट ड्रॉप मी मैसेज, वी विल कॉन्टैक्ट, डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है। और यू डोंट वॉन्ट टू हायर मी, जस्ट आप मेरी वीडियो देखो, आपका वीडियो देख के काफी कुछ सीख जाओगे। आई होप आपको सारी बातें पसंद आई, आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ।